अब वक्त आ गया है लड़ाई का, अंत होनी है लड़ाई की। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में कल घरों से निकले ताकि हम सभी एक बार फिर शिक्षा मंत्री को दिखा दें, उनका घर 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 के दिखाएंगे। साथियों हमारा आवाज़ हाल नहीं निकल रही है, हम कम बोलेंगे और थोड़ा कभी कभी बहुत संघर्ष किए हैं, उनके कई दिन भर लगातार बोला जा रहा है। ये अमित भैया आप आइए, लोगों ये आए नहीं रहे, इन लोग का संघर्ष में बैठे बैठे घर आप बुलंद घर से आए हैं, आप घर पर बैठे बैठे वो क्या कहते हैं प्रमोट हो जाएंगे। आप लोग को आना चाहिए, हम देख रहे हैं सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं। केवल आप लोग सुबह से कई आप बच्चे देखते होंगे किसी का आवाज़ नहीं निकल पा रहा है, मतलब लगातार बच्चा रोता नहीं है, माँ उसे दूध नहीं पिलाती है, और आप अपने हक का नहीं मांग सकते, आप अपने हक का नहीं मांग सकते हो ना ट्विटर पे ना फेसबुक पे ना सोशल मीडिया पे ना शेयर कर सकते हो। आप किस मुझे नहीं लगता आप किस जाति के हो, कैसे टीचर बनेंगे, कैसे भावी अध्यापक आप निभाएंगे। पर अभी वैकेंसी आने वाली है तो वैकेंसी का हक कैसे लेंगे आप, अभी से आप संघर्ष नहीं तब भी कोई ना कोई नेतृत्व बनाना पड़ेगा आपको, और अभी से अगर जूझ जाएंगे ना ये सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए तो आसानी होगी, आगे आपको जीत आसानी से मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी आपको आसानी से। ये हमारे पास जैसे भाई तिवारी जी सुबह से मैच लगता हुआ है, वो आनंद भाई तीन दिन से भैया सब लोग आ जाइए, सभी लोग यहाँ कितने दूर दूर से आए हैं, कितना संघ हो रहा है, लेकिन आप लोगों को कितना बुलाया जा रहा है लेकिन आप लोग आने के लिए तैयार नहीं है। कृपया सब घर से निकलिए, सुबह का आता मत लिखिए, इसी टाइम रोडवेज चल रही है पकड़ लीजिए चले आइए। अब हम लोग रात में आ सकते हैं, आप लोग नहीं आके हमारे हम सबके पास हैं, ज़्यादा पास हैं, बाइक वाले बहुत कम साथी हैं, तो आप लोग भी घर से निकले बिना संघर्ष। और ये भी कहें कुछ साथी लगातार आरोप करते थे टीम काम नहीं कर, टीम यहाँ रात तक है और डटी रहेगी, जब तक आप लोग साथ देंगे हम लोग हिम्मत नहीं हारेंगे, सारी समस्याओं जो जितनी बाधाएं आएंगी सब संघर्ष किया जाएगा, लेकिन आप लोग आरोप प्रत्यारोप न करिए, आप लोग आइए क्योंकि आज सभी साथी हैं, हर संगठन के साथी हैं, पहुँचे हैं, आप लोग नहीं पहुँचे हैं यही एक कमी है, बाकी सारे साथी पहुँचे हैं, संघर्ष हो रहा है लगातार होगा जब तक जीत नहीं मिलती, इसमें आप लोग का साथ चाहिए, अगर आप लोग साथ नहीं देंगे इसके जिम्मेदार आप हैं। बार बार हर वीडियो में एक ही चीज़ कही जा रही है कि 90,000 संख्या है, आप लोग 1% भी लोग नहीं आए, अगर 1% आ जाए ईंट से ईंट बजा के उसी दिन जियो में संशोधन हो के आप लोग प्रमोट हो जाए, लेकिन आप लोग यूनिटी पता नहीं क्यों दिखा नहीं रहे, कब दिखाएंगे भैया, अगर आप आज तक में नहीं आते हैं, आज रात तक नहीं आते हैं, कल संख्या कम रहेगी, कुछ साथी और डीमोटिवेट होकर घर चले जाएंगे, इसके जिम्मेदार आप होंगे, तो 10 लोग बचेंगे, 10 लोग से कुछ नहीं होता, इसलिए आप सभी घर निकलेंगे। ऐसा प्लेटफार्म जो प्रमोट होने का प्लेटफार्म यहाँ पर प्रशिक्षण तैयार कर रखा है, अगर ये प्लेटफार्म खत्म हो गया ना समझ लीजिए दोबारा आप लोग नहीं कर पाओगे, हमेशा आप लोगों के लिए पछतावा भर रह जाएगा, काश हम चले गए होते तो हम आज प्रमोट हो गए। संख्या बल बढ़ाइए भैया, आइए सब लोग आइए, ठीक है भैया जैसा होगा अपडेट देते रहेंगे हम। लोकल डीसी डिसाइड कर दिया है कि एक या दो से सब्जेक्ट से ज़्यादा जो फेल होंगे उनको फेल की श्रेणी में रखा जाएगा, एक या दो सब्जेक्ट में अगर वो है तो बैक पेपर देता है और अगले सत्र की परीक्षा देता है। कोरोना आया है, कोरोना की वजह से उनका क्या घटा, अगर सभी विभागों में जितने भी एजुकेशन वाली थी सभी प्रमोट किया गया है, तो आपका ये डीएलएड कौन सा इतना बड़ा कोर्स है जिसमें जो है आप प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं। और बता दूं, और किसी भी विभाग में शिक्षा विभाग में किसी भी छात्र मतलब इतना बड़े व्यापक स्तर पर कोई भी छात्र सड़कों पर नहीं उतरे हैं, इतना डीएलएड के छात्र हर जिले ज्ञापन दे रहे हैं, सांसद विधायक से लेकर फॉरवर्ड करा रहे हैं, लेकिन आप कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सोचिए योगी सरकार आप बहुत गलत कर रहे हैं, और ये समझिए गलत कर रहे हैं और इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं किसी भी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ,
जो मैं जो जहाँ चाहे जो पार्टी हो, सपा बसपा कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, अगर देखिए जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे भी मैं निवेदन करूँगा कि चाहे जो पार्टी हो, किसी भी पार्टी का चाटू काटता मत, चाहे जो पार्टी हो, सपा हो बसपा हो भाजपा हो कोई भी हो, जो वो सही करे तो उसके सही के साथ रहिए, जिस जो गलत करे उसका विरोध करिए। आप लोग लड़ते मरते हैं, ऊपर ये सरकारें जो है मौज करती हैं। प्लीज़ निवेदन है, हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं। देखिए टीम गई थी, बताया सकारात्मक 50-50 है, अब देखिए क्या सकारात्मक परिणाम आता है कि नहीं आता है। संघर्ष करना हमारा काम है, लेकिन युवाओं से कहना चाहूँगा, ठीक है संघर्ष करें, काफ़ी लड़के इतना लड़के छात्र रुकना भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन 90,000 है, सभी को आना चाहिए था। 90,000 में कम से कम 900 तो उपस्थिति हो सकती थी, उतना उपस्थिति नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा और आइए तो और दबाव पड़ेगा। ये चीज़ आप लिख रख लीजिए। और मैं आपको सही बता दूँ, आपको हो सकता है मेरी बात पता नहीं क्या लगे, जो मेरे जानते हैं, मेरे स्वभाव से परिचित हैं, वो लोग तो मेरे पे बात पर विश्वास ही करेंगे। प्रयागराज का धरना हुआ बालसम चौराहे वाला, ठीक है, एक बाइक प्रमोट होते हुए उसके अगले दिन मेरी तबीयत खराब हो गई। अब उसके अगले दिन मंडे को ये यहाँ पे था, तबीयत खराब थी साथियों, दवा लिए और कल रात मैं सोया नहीं। 3 बजे निकला हूँ घर से, बाइक से कौसाम्बी से लेकर बाइक से लखनऊ आया, ठीक है, और आज तनिक भी आराम नहीं किया। ये सारी चीज़ें जब कमेंट है आप लोग पढ़ के, ये सारी चीज़ें जब आप समझेंगे तो हो सकता है आपको लगे बस वही पूड़ी कचौड़ी थोड़ा सा था वही खाया हूँ बस, और अभी 2 केले खाए। ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, क्या इसमें क्या मिल रहा है, हम ये कहेंगे हमको तो गौरवान्वित महसूस होता है कि हम इतने प्रशिक्षणों के लिए, उनके हक के लिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, या ये चीज़ हमको अच्छा लगता है, ठीक है। और आपका मैं निवेदन करूँगा, अगर मैं कहीं भी आगे चल करके, पहले तो मैं हर एक कोई भी कार्य करने से पहले चिंतन मनन जरूर करता हूँ, चाहे जो अगर मैं कुछ गलत डिसीजन मान लीजिए जाने अनजाने में गलती हो जाती है, अगर कुछ अगर गलत हो तो आप लोग फोन के माध्यम से बता दीजिएगा। तो साथियों संघर्ष बैक प्रकरण जो, चलिए बैक प्रकरण पे आते हैं, बैक प्रकरण पे संघर्ष। अब रात को तो कुछ भी अब सोने की व्यवस्था तो है नहीं, अब देखिए न चद्दर भी नहीं है, कुछ नहीं है, जरा जरा सोचिए कैसे हम लोग सोएंगे। कल रात में तो पूरा जग ही है, और सोचो बाइक चला के आना 200 किलोमीटर, आदमी कितना थक जाता है ये आप लोग थोड़ा सोचिए, लेकिन उसी एनर्जी के साथ हम लोग लगे हुए हैं। सारी चीज़ें समझिए और अपने अपने हक के लिए, जिस दिन मैं जी तो ये कहूँगा जब जब पढ़े लिखे युवा जो है कुछ गलत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, ये चीज़ गलत है। कुछ लोग मान लीजिए आप लोग नहीं आते हैं तो कुछ लोग सोशल मीडिया पे आवाज़ उठा लीजिए, मतलब किसी रूप में